नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे बीएड से रिलेटेड और सीटीटी से रिलेटेड और कुछ स्टूडेंट हैं जो कि बीएड के एंट्रांस देने वाले हैं, इस बार एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। आप इंतज़ार करें, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा ना बीएड के एंट्रांस के लिए, बहुत ही काफ़ी है, अच्छे मार्क लाया जा सकता है, बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं है, और देखते रहिए। और बीएड में आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और देखते रहिए वीडियो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ताकि मैं सारे पेपर का, जो जितने भी पेपर है बीएड में, उन सभी का वीडियो मैं बनाता हूँ रेगुलरली हमारे इस चैनल पे। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बीएड क्लास वीडियो नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको बीएड के कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। जितने भी वीडियो मैंने बनाया है जो कि रिलेटेड है बीएड के कोर्स से, बीएड के पेपर से रिलेटेड है, और उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। बाकायदा आपको वीडियो के थंबनेल में आपका उस टॉपिक को डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि आप उस थंबनेल को देख करके आप जान सकेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और साथ में पेपर का नाम भी है वहाँ पर, तो आप उसके थ्रू आप वहाँ पर उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो अच्छे तरीके से और जान सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बीएड के रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित तौर पे आप जाइए बीएड के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, या नहीं तो आप होम में जाइए, होम सेक्शन में जाइएगा तो आपको नीचे दिखेंगे दो चैनल के बाद दिखेंगे जो प्लेलिस्ट दिखेंगे, यानी बीएड क्लास के रूप में बीएड क्लास वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। लगभग 30 से ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं 30 से ऊपर वीडियो है, तो वहाँ पर आप इतने वीडियो मैंने बना चुका है जो कि रिलेटेड है पेपर 1, 2, 7 से, मतलब पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 7 इतने सारे वीडियो मैंने बना चुका है, और शायद 6 पेपर का कुछ कम वीडियो होगा, लेकिन मैं उसको भी जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ और रेगुलर करूँगा इसको, डेली 2 वीडियो कम से कम देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं दे पाया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले ही माफ़ी मांग लिया। इसके बाद देखिए, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि निगमन विधि क्या होता है, यानी डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का सबसे पहले हम परिचय को जानते हैं। परिचय को जानने से पहले देखिए, यहाँ पर निगमन विधि, विशेष तौर पर हमने आगमन विधि पढ़ लिया है, और आगमन विधि के ठीक उल्टा कहें, ठीक विपरीत कहें, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम आगमन विधि पढ़ रहे थे तो आगमन विधि में हम किसी भी चीज़ को उदाहरण को लेकर के, हम जब किसी विशिष्ट स्थिति पर पहुंचते थे, किसी सामान्य स्थिति को हम जान लेते थे, तो वह कहलाता था आगमन विधि। और ये जो है कि जब हम विशिष्ट स्थिति को जान रहे हैं उसके बाद हम सामान्य स्थिति पर जाते हैं, तो ये कहलाएगा निगमन विधि। यानी यही अंतर है, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन विधि जो है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। निगमन विधि में तर्क इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक मानव मरणशील है। अब देखिए कि प्रत्येक मानव मरणशील है, इसके लिए राम जो है, राम या सुकरात, मैंने राम कहा कि सुकरात मानव है, सुकरात मानव है, तो इसी कारण जो है सुकरात क्या होगा, मरणशील होगा, तो ये कहलाता है इसके निगमन विधि के अंतर्गत। निगमन विधि में देखें तो निगमन विधि में सामान्य के आधार पर विशिष्ट की परीक्षा ली जाती है, सामान्य जो है उसके आधार पर किसी विशिष्ट चीज है, विशिष्ट तथ्य है, उनकी परीक्षा ली जाती है कि वह सत्य है या नहीं। जैसे हमने भाग बनाया, अब भाग की हम जांच करेंगे कि वह भाग सत्य है या नहीं, तो इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला अपनाना होगा कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे उस भाग के अनुरूप, तो हमें यह पता चलेगा कि अमुक भाग जो मैंने बनाया है वह सत्य है या असत्य है। तो यह नियम जो है, जिस नियम के थ्रू हमने ये समझा कि मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, तो यह नियम क्या कहलाएगा, निगमन विधि कहलाएगा। आगे जो लिखा गया है कि या सत्य अनिगमन में बालक को यह सिद्धांत बता दिया जाता है कि जब सरल रेखाएं, यहाँ पर ज्योमेट्री का उदाहरण लिया गया है, जैसे कि आगमन विधि में भी ज्योमेट्री का उदाहरण लिया गया था, यहाँ देख सकते हैं, जब सरल रेखाएं, जब एक सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि फिर आगे लिखा गया है कि फिर बालकों से यह सिद्धांत की सत्यता एवं भिन्न सरल रेखाओं से बने हुए सम्मुख कोणों का नपवाकर सिद्ध किया जाता है। तो यह
किस नियम के अंतर्गत आएगा, या निगमन विधि के अंतर्गत आएगा। यहाँ देख सकते हैं निगमन विधि के गुण है कुछ, तो निगमन विधि के गुण को समझ लेते हैं कि क्या क्या है इस विधि के गुण। तो निगमन विधि में देखिए कि निगमन विधि के मुख्य गुण यह है कि इसमें ज्ञान तीव्र गति से प्राप्त होती है, ज्ञान को जो है कि तीव्र गति से। अब किसी को किसी चीज का फॉर्मूला बता दिया और वह उसको जो है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उसको चंद समय लगेगा और वह तुरंत बना लेगा, जैसे कि कोई भी ट्रिक है ना। यहाँ देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, बालक सामान्य नियम जानते हैं केवल एक दो विशिष्ट उदाहरणों में, वे उसका प्रयोग करके उसकी सत्यता को जो है कि प्रसारित कर देते हैं। आगमन विधि की तरह उन्हें सिद्धांत निरूपण उनके लिए जो है कि पश्चात जो है जो उस नियम का निरूपण करते हैं, सिद्धांत का निरूपण करते हैं, उसके पश्चात भी नहीं, पश्चात नहीं कर पाता है ना, ये इसका गुण है। और आगे देख सकते हैं दूसरा गुण है कि आगमन विधि द्वारा चाहे भी सामान्य सिद्धांत ज्ञान लिया जाए, मतलब सामान्य सिद्धांत ज्ञान कर लिया जाए, यह सिद्धांत जो है तब तक मान्य नहीं हो सकता जब कि उसका प्रयोग तथा परीक्षण निगमन विधि द्वारा न किया जा सके। वास्तव में जो है कि आगमन विधि में अंतिम पद निगमन विधि का होता है। देखिए आगमन विधि में जो है कि वास्तविक पद जो है कि निगमन विधि का ही होता है, निगमन विधि के द्वारा ही लास्ट का जो पद है, लास्ट का जो स्टेप है वह निगमन विधि के द्वारा ही किया जाता है। यह इसका गुण है कि आगमन विधि भी जो है कि निगमन विधि के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है, इसके बगैर वह संपन्न नहीं होता है। यह इसकी इस विधि की गुण है, यानी दोनों में एक प्रकार से कहा जाए तो सहोपकारिता का संबंध है। आगे लिखा गया है तीसरा पॉइंट कि उच्च कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। उच्च कक्षाओं में जो है कि निगमन विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी होता है, वहां की आगमन विधि द्वारा कार्य करने से बहुत सा बहुमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। आगमन विधि के द्वारा जब हम कार्य करते हैं किसी को तो वह जो है कि नष्ट हो जाता है समय, जैसे कि मैंने बता दिया है। इसमें जो है कि कम समय का खपत होता है, निगमन विधि के द्वारा समय की कम नष्ट होती है, समय की व्यर्थता कम हो जाती है, यह एक पॉइंट बना सकते हैं आप यहाँ पे। तीसरा जो है कि यहाँ देख सकते हैं आगे कि आलोचना इसको बताया गया है, जो मैंने नियम बताया उसमें जो इसके आगमन विधि के गुण थे उसको आप इस विधि में उसको विपरीत करके आप लिख सकते हैं निश्चित तौर पे। वैसे भी मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए और उसके रिगार्डिंग आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए निगमन विधि की आलोचना यानी दोष, अब इसकी आलोचना किस तरीके से किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आगमन विधि, निगमन विधि के आलोचना में देखें तो यहाँ पर जान सकते हैं आप निगमन विधि द्वारा कोई भी जो है कि सामान्य खोज नहीं किया जाता, मतलब निगमन विधि द्वारा कोई भी सामान्य खोज नहीं किया जाता। सिद्धांत खोजने की विधि जो है आगमन विधि है, सिद्धांत जो खोजती है वह विधि कौन सी है, आगमन विधि है। यदि कोई सत्य या सिद्धांत का ज्ञान हो तो वह उसका वर्णन निगमन रीति द्वारा हो सकता है, परंतु सिद्धांत के खोज निकालना एक बात है और उसके प्रस्तुत करना ढंग दूसरी बात है, उसको प्रस्तुत करने का जो ढंग है उसकी दूसरी बात है। मैंने कहा था, पहले भी कह दिया था कि आगमन विधि और निगमन विधि दोनों में एक सहोपकारिता का संबंध है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और तब जाके वह एक विशिष्ट नियम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं कोई भी सिद्धांत अपने सिद्ध किए जाने हैं पहले भी उसके सिद्ध सत्य है होता है, मतलब कोई भी सिद्धांत जब हमको सिद्ध किए जाने हैं उसके जो है कि पहले भी उसकी सत्यता होती है, उसमें सत्य होती है, इसमें संदेह नहीं है ना, कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कि मतलब तीनों कोणों का योग जो है कि एक दो समकोण के बराबर होता है यहाँ पर, यानी 180 डिग्री होता है। तो यह एक सिद्ध किया जाना है और यह एक सत्य भी है, तो हम इसको नपवा करके उसको जोड़ करके ऐसे करके हम निगमन विधि आगमन विधि के द्वारा कर सकते हैं कि हाँ सही में यह एक दो समकोण के बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये निगमन विधि के अंतर्गत आगमन विधि के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसी को ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैंने कोण को सारे को जोड़ करके एक ही बार लिख दिए, तो जाति जो फॉर्मूला या एक सिद्धांत है मैंने मान लिया तो यह निगमन विधि के अंतर्गत आएगा। आगे लिखा गया है इसमें कि देख सकते हैं कि किसी अन्य विषय को सत्य निगमन पर आधारित नहीं होता है, ना ही उसकी खोज निगमन विधि द्वारा की जाती है। इस प्रकार के अन्वेषणकर्ता के लिए निगमन विधि उचित है, इसीलिए बालक को
बालक के लिए कदापि उपयोगी नहीं हो सकता, जो है कि निगमन विधि यहाँ कह रहा है कि निगमन विधि द्वारा की जाती है कौन सी काम, तो जब हम किसी चीज को सत्यता की जांच करते हैं तो वह निगमन विधि के द्वारा की जाती है, यानी फॉर्मूला लगा करके की जाती है। तो वह जो है कि अन्वेषणकर्ता यानी खोजकर्ता के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, किसी भी चीज को तुरंत कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी चीज को तुरंत शोध करने के लिए, तो वह इसके लिए आसानी होता है, और लेकिन बच्चों के लिए यह एक आसानी नहीं होता। जब तक हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझाएंगे बच्चे को तो वह नहीं हो सकता है, यह एक निगमन विधि का दोष है, आलोचना है ना। आगे जो पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें से दूसरा देख सकते हैं आप कि निगमन विधि के प्रयोग करने में यह पता नहीं लग पाता कि बालक किस सिद्धांत को सिद्ध करने में समझ कर चला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निगमन विधि के प्रयोग करने में यह पता नहीं लग पाता कि बालक जो है किसी किसी सिद्धांत को सिद्ध करने में समझ कर चला जा रहा है, मतलब समझा नहीं और उसको सिद्धांत कर सिद्ध करने जा रहा, अथवा नहीं मतलब आगमन विधि में जो क्या होता है कि बच्चे उसके पद को जान लेता है, उसके पद को समझ लेता है और समझते हुए जाता है, तब उसको उस बालक के जो है कि समझ में यह आ जाता है कि अमुक चीज क्या है, अमुक की विशेषता क्या है, उसका सामान्यीकरण क्या है। तो ये एक इसकी जो है कि निगमन विधि की आलोचना है, यह एक दोष है। आगे कहा गया है इसमें देख सकते हैं कि आगमन निगमन विधि का शिक्षण में उपयोग, अब आगमन निगमन विधि के शिक्षण में क्या क्या उपयोग होते हैं, तो ये चीज उपयोग होते हैं कि बच्चों को देखें तो सामान्य तौर पर शिक्षण विधि में इसका अनेक तौर पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य नियम बता दिए उसका विशेष नियम बनाने के लिए तो आगमन विधि का उपयोग होता है, निगमन विधि को कि जब हम किसी फॉर्मूला का उपयोग करके किसी की सत्यता को जांचना होता है, किसी चीज के सत्यता को जब हम जांचते हैं तो निगमन विधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए तीसरा नियम है, तीसरा मतलब दोष कहिए, तीसरा दोष में लिखा गया तीसरा पॉइंट यहाँ बना करके कि आगमन और निगमन विधियां परस्पर जो है कि विरोधी विधियां प्रतीत होती है, मतलब आगमन और निगमन विधि परस्पर जो है एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में यह एक दूसरे के पूरक है। मैंने पहले भी कह चुका था कि इस दोनों में सहोपकारिता का संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तो आप इस विधि के थ्रू किसी भी बच्चे को आप चाहेंगे कि हम सिर्फ आगमन ही विधि से बच्चों को पढ़ाएं तो ये एक संभव नहीं है, आपको निगमन विधि को अभी उपयोग करना होगा। आप निगमन विधि का उपयोग करते हैं तो आगमन विधि का उपयोग करना होगा, यह दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि आगमन विधि द्वारा शिक्षण प्रदान करने निगमन विधि में की आवश्यकता पड़ती है। आगमन विधि देखिए मैंने पहले भी ये सारे पॉइंट बता दिया है और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, आगमन विधि की विशेषता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और जो है कि निगमन विधि द्वारा जिन सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग में लाते हैं, जिन सामान्य सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं हम कि खोज निकालना आगमन विधि द्वारा संभव होता है, इसके बराबर जो है कि सामान्य आगमन जो है विधि निगमन विधि के सम्मिलित रहती है, और निगमन विधि में आगमन विधि प्राप्त किए जाते हैं जाते हुए सिद्धांत का परीक्षण केवल निगमन विधि की द्वारा ही किया जा सकता है। मैंने उसको डिफाइन कर दिया है कि इसमें लिख सकते हैं कि आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि में दोनों में सहोपकारिता का संबंध होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरीके से। अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा था इसमें से, अगला जो कंक्लूजन टाइप से लिखा हुआ इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट को जरिए आप आसानी से लिख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ देखिए, बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आगमन विधि से आरंभ करना चाहिए, वह बालक को जो शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरुआती दौर में बच्चे को प्राइमरी सेक्शन में उसको आगमन विधि के द्वारा ही सिद्धांत को निरूपित करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके बाद जो है कि अच्छे मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा यानी सेकेंडरी सेक्शन में जाने के बाद, तो कुछ कुछ जो है पॉइंट को उसको सत्यता की जांच करवाना चाहिए जो कि निगमन विधि के अंतर्गत आए, जो उस प्रयोग को सीखने में और समझने में सिद्ध करने में उसको मदद पहुंचाए। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे मैं लिख सकते हैं आप, जैसे मैं रेखा गणित शिक्षण में यह एक अच्छा समझा जाता है, रेखा गणित के शिक्षण में जो है हम इसे आगमन विधि को अच्छे समझते हैं, जब उस चीज को जान जाते हैं बच्चे निगमन विधि के द्वारा तो उसे डिफाइन करने में, उसे सिद्ध करने में बहुत ही आसानी होती है कि पहले विशिष्ट को कुछ ऐसे विशिष्ट समस्याएं दी जाती है जहां पर यथासंभव जो है कि व्यवहारिक हो तथा जो उसमें प्रमेय और प्रमेय की ओर ले जाए, मतलब थ्योरम की तरफ ले जाए और व्यवहारिक हो, उसको पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ाना चाहिए उस तरीके से। यह जो है कि यह उस समय तक होना चाहिए जब तक कि स्वयं प्रमेय, है ना, स्वयं जो है कि प्रमेय रेख और मुख्य प्रतिज्ञा का वर्णन
कर सके, मतलब जब तक उसको उस पॉइंट को नहीं बताना चाहिए जब तक कि वह अपने इस प्रमेय को समझ ना ले, उसके मुख्य प्रतिज्ञा क्या है उसको समझ ना ले। तो ये था आपका, आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं कि आपको सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस करें उस समय वह विद्यार्थी जो है कि प्रमेय सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, जब उस चीज को आप बता देते हैं, उसके प्रमेय को बता देते हैं, इसके प्रतिज्ञा को आप समझा देते हैं, उसके प्रमाण को समझा देते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन को समझा देते हैं। इतने चार चीज को बताने के बाद बच्चे जो है खुद जो है कि उसको सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये था आपका निगमन विधि। आगे जो है वीडियो आएगा उसमें मैं निरीक्षण विधि लाने की कोशिश करूंगा जो कि पेपर 7 से रिलेटेड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करते जाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।